गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक अपन चल कर रहे सी मोशन ऑफ पार्टिकल अटैच टू इलास्टिक स्ट्रिंग, तो उस दे रिलेटेड आप अगे प्रॉब्लम्स करते हैं। प्रॉब्लम नंबर X3 करते हैं, एक्सरसाइज 5B तो लास्ट टाइम आप जो थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग देखी सी कि जो कोई मास इलास्टिक स्ट्रिंग दे नाल अटैचड हुंदा तो उसका मोशन किस तरह आप स्टडी कर सकते हैं। आप दो तरीकों का मोशन स्टडी किया सीगा उन्हां दा। एक तो आप देखा कि जो स्ट्रिंग होरिजेंटल पोजिशन दे विच होवे, इलास्टिक स्ट्रिंग जो होरिजेंटल पोजिशन विच होवे, दूसरा आप देखा कि जो इलास्टिक स्ट्रिंग वर्टिकल पोजिशन दे विच होवे। तो दोनों केसिस दे विच आपां इह प्रूव किया कि जिहड़ा भी मोशन होएगा पार्टीकल का तो वह सिंपल हारमोनिक मोशन होएगा, क्योंकि वो जी इक्वेशन सीगी मोशन की इक्वेशन बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर सी सिंपल हारमोनिक मोशन की इक्वेशन के मैच करती सी। तो अच आप एग्जाम्पल नंबर एक्सरसाइज का क्वेश्चन मैं एग्जाम्पल इतने गलत लिख बैठा, तो 3 नंबर क्वेश्चन तो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन है, टू लाइट स्ट्रिंग आर फास्टन्ड टू पार्टिकल ऑफ मास एम एंड देयर अदर एंड आर फिक्सड सो दैट स्ट्रिंग्स आर टॉट, द मॉडुलस ऑफ ईच स्ट्रिंग इज लैम्बडा, दैन टेंशन टी एंड द लेंथ ए एंड बी शो दैट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन लोंग द लाइन ऑफ स्ट्रिंग इज दिस। तो इतने मैं कुछ लिखने वाला रह गया। तो बेसिकली की है कि दो स्ट्रिंग ने, दो स्ट्रिंग के विचकार एक मास बनया हो, ठीक है, तो उन्होंने दोनों स्ट्रिंग नू खिच के बनया हुआ दो फिक्सड पॉइंट के नाल, ठीक है, दोनों स्ट्रिंग नू खिच के अपना ए ते बी पॉइंट्स नाल बनया हुआ, तो उन्होंने जी एक्सटेंडेड लेंथ है वो ए ते बी बन रही है, कैपिटल ए ते कैपिटल बी, ठीक है, दोनों स्ट्रिंग्स की, तो दूसरे साइड तो उन्होंने फिक्सड पॉइंट नाल बनया हुआ, तो दोनों स्ट्रिंग की जी इलास्टिसिटी है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दोनों की कॉमन है। तो आप प्रूव करना कि मोशन जिहड़ा हैगा वो सिंपल हारमोनिक मोशन होएगा, तो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जी हो इस तरह हो। मान लें कि लैट L1 बी द नैचुरल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, जी एक्सटेंडेड लेंथ ए है, ये पहले वाला स्ट्रिंग, तो नैचुरल लेंथ L1, नैचुरल लेंथ मीन विदाउट एक्सटेंशन जी लेंथ होंगी उसनों आप नैचुरल लेंथ बोलते होंगे। तो दूसरे स्ट्रिंग की जी पार्टीकल के दूसरे साइड तो बनया होया है वो जी नैचुरल लेंथ हैगी आप मान लें कि L2 है, तो एक्सटेंडेड लेंथ जी है B, सो दैट इफ स्ट्रिंग एंडस आर अटैच्ड एट ए एंड बी द मास इज अटैच्ड एट ओ ए, सो दैट ओ ए इज इक्वल टू ओ ए एंड ओ बी इज इक्वल टू बी। तो इतों डायग्राम तो समझा है मैं, तो इतने आ पार्टीकल है, ठीक है, इधरले पास में एक आ स्ट्रिंग हो गया, इधर बन तो स्ट्रिंग खिच के बनया हुआ ख्याल रखियो, तो जो जी एक्सटेंडेड लेंथ है ये बी बन जाती है। इसी तरह स्ट्रिंग के जो पार्टीकल के दूसरे पास भी एक स्ट्रिंग बनया हुआ खिच के बनया हुआ इधर इधर टाई करता किसी चीज़ ना, ठीक है, तो हूँ आ जरा स्ट्रिंग है बेसिकली दो स्ट्रिंग का बनया हुआ, तो यह स्ट्रिंग हूँ खिंचया हुआ अपनी नैचुरल लेंथ तो विचकार एक मास बनया हुआ। आप करना है स्ट्रिंग तो पहले ही तनिया हुआ, ठीक है, क्योंकि आह भी स्ट्रिंग जोड़ा है वह भी स्ट्रिंग भी अपनी नैचुरल लेंथ तो खिंचया हो, आह वाला स्ट्रिंग भी अपनी नैचुरल लेंथ तो खिंचया हुआ। हूँ आप करना है इस पार्टीकल इतों फड़ के इधर खिंचना फिर छड़ देना, ठीक है, नैचुरली वाइब्रेट करेगा, है ना, तो वाइब्रेशन जीडिया होनगियां आप स्टडी करना है। तो पहले आप टेंशन की गल कर लीए, बाय हुक्स ला बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हुक्स ला के अकॉर्डिंग टेंशन किन्नी होंगी है वो लैम्बड़ा, तो एक्सटेंशन किन्नी है पहले स्ट्रिंग की एक्सटेंशन ओवर नैचुरल लेंथ है, आह तो एक्सटेंडेड लेंथ है, ये चो नैचुरल लेंथ घटा दी है तो अपनी एक्सटेंशन आ जाती होंगी है A-L1/L, तो यह बराबर ही होगी दूजे दे दूजे स्ट्रिंग की टेंशन दे B-L2/L2। तो बी की है दूसरे स्ट्रिंग की एक्सटेंडेड लेंथ है, मतलब वधन तो बाद लेंथ बनती है, घटाओ नैचुरल लेंथ कर दो, ठीक है, तो अपना बन जाता है ये एक्सटेंशन बन जाती हैगी। तो आ टेंशन दोनों की सेम ही होगी, टेंशन च कोई फर्क नहीं होगा, तुम मान के चल सकते हो कि पार्टीकल जो इतने समूथली बनया हुआ है।
तो अपन इस तरह लिख देने हैं, एलसीएम लगा के डिवाइड कर देने, इस तरह बन जाएगा आ लैमड़ा इधर चलो गुणा होगा इतने, आ लैमड़ा इतने गुणा होगा, ये दोनों पास लैमड़ा आप टी प्लस लैमड़ा कर सकते हैं। सो टी प्लस लैमड़ा की बन जाएगा लैमड़ा ए अपॉन एल वन, लैमड़ा बी अपॉन एल टू, तो एक रिलेशन बन जाएगी टी प्लस लैमड़ा के लिए, कॉमन रिलेशन बन जाएगी दोनों स्ट्रिंग के लिए। हुण की करते हैं आप, लैट पी वी द पोजिशन ऑफ पार्टीकल, जो मैं तुम्हें आख्या कि उन्होंने इतने तो हम इक्विलिब्रियम स्टेट हैगी है, हालांकि जरूर तनिया पिया हो, जो खिंच के इतने तक लैके जावे बाद छड़ांगे, तो ये पोजिशन है, तो बाद चाहू छड़ता। हम साफ जी गल है, जो हूँ आ जी स्ट्रैच्ड पोजिशन है, इतों फट के जो खिंचोगे तो फिर छड़ोगे ए भजूगा, इधर ए न भजूगा तो ए करी जाऊगा इस तरह इस तरह, ठीक है। तो कुछ समय बाद खड़ जाना है, तो लैट इट गो टूवर्ड पॉइंट ए। फोर्स लग रही उन्हें पार्टीकल से, आप पहली फोर्स कि लग रही टेंशन टी वन, जी कि ए पी दे लोंग एक्ट करेगी, ठीक है, इधले पास हाँ वाली, तो इनू आप टेंशन टी वन लै लै लें है अलोंग पी ओ, राइट, सॉरी ए ए पी पोर्शन जो लग रही है तो पी तो ओ वल जा रही है। नैचुरल लेंथ कि एल, एक्सटेंडेड लेंथ कि होगी ए प्लस एक्स। हूँ ए प्लस एक्स किमें बन रही है, क्योंकि आ तो कैपिटल समॉल ए सी, बाद पार्टिकल खिंचता इधरले पासे, हम टोटल लेंथ कि बन गई, आ मान के चलो कि जरा ओ ओ है ये इतने पहुँच गया। हम एक्सटेंशन कि पैदा होगी पहले वाले स्ट्रिंग से खब्बे वाले तो ए प्लस एक्स, तो यदि एक्सटेंडेड लेंथ कि बन गई ए प्लस एक्स, तो एक्सटेंशन कि होगी ए प्लस एक्स घटाओ नैचुरल लेंथ, तो टेंशन कि बनेगी हम टी वन टेंशन लवेंगे लैमड़ा इंटू एक्सटेंशन अपॉन नैचुरल लेंथ, है ना। हम टेंशन टी टू दूसरे पोर्शन के हैगी, जो पी बी वाला पोर्शन है, हम की है कि यह टेंशन थोड़ी अलग तरीके आप एक्सटेंशन लवेंगे। हम जो आ स्ट्रिंग सेगा ओ बी स्ट्रिंग, हम जो पार्टिकल खिंच के इधर ले जाओगे तो ये एक्सटेंशन घट जाएगी पहले नालों, है ना, क्योंकि आ स्ट्रिंग खिंचे आप जो इधर खिंचोगे तो आ ज़्यादा खिंचा जाऊगा, आ जो ओ बी पोर्शन है पहला ही खिंचा हुआ जी, थोड़ा जहा पहले घट खिंचया रह जाएगा, है ना। तो ये जी एक्सटेंशन पैदा होगी वह पैदा होएगी बी माइनस एक्स माइनस एल वन, राइट, बी माइनस एक्स माइनस एल टू, एल टू अपनी नैचुरल लेंथ है, तो आ जी एक्सटेंडेड लेंथ होगी बी माइनस एक्स, तो इतने टी टू टेंशन कि बन जूगी लैमड़ा बी माइनस एक्स माइनस एल टू अपॉन एल टू। तो इक्वेशन ऑफ मोशन की होएगी, हूँ तुम तो टी टू माइनस टी वन लिख दो, हम क्योंकि नैट फोर्स का पार्टीकल के उपर टेंशन नहीं दसनी है, एक पास टेंशन टी टू लग रही, एक पास टेंशन टी वन लग रही हैगी है, तो वैसे तुम्हें टी वन घटाओ टी टू लिखना चाहिए है, पर इतने मेरे को गलती ना टी टू घटाओ टी वन लिख लिया, पर हालांकि तो कोई फर्क नहीं पाएगा, सेम ही आंसर आऊगा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन की है, मास इंटू एक्सेलेशन बराबर होएगा कि पार्टीकल के उपर फोर्स कितनी लग रही है, तो फोर्स डिफरेंस ऑफ टेंशन होएगी, तो दोनों टेंशन की वैल्यू भरती हैं, तो कुछ कैंसलेशन वगैरह होएगी, है ना, कैंसलेशन जोड़े आ टर्म्स है ना लैमड़ा बी पॉन एल टू तो लैमड़ा ए पॉन एल वन, ये कट्टे जाएंगे तो इक्वल ही नहीं ना, तो पिछले रिलेशन तुम्हें याद होएगी, तो आ क्वेश्चन ऑफ मोशन बन जाएगी अपनी। फरदर आप बाय वन कुछ होर सबस्टिट्यूशन करा, बिकॉज लैमड़ा अपॉन एल वन जोड़ा है ये टी प्लस लैमड़ा अपॉन ए के बराबर भर देंगे, इतने सिंपलीफाई करने तो बाद एक क्वेश्चन बन जाएगी, डबल डेरीवेटिव ऑफ डिसप्लेसमेंट इज इक्वल टू नैगेटिव कॉन्सटेंट अपूरा इन टू एक्स। तो साफ जी गल है कि जोड़ा यह सिंपल हारमोनिक मोशन की इक्वेशन है, तो फिर पार्टीकल का मतलब सिंपल हारमोनिक मोशन जोड़ा है एक्सीक्यूट करेगा, जो भी इतने एक्स नाल कॉन्सटेंट लगा हों आप पीरियड ऑफ ऑसिलेशन डिसाइड करेगा, दैट इज लैमड़ा म्यू जोड़ा है, सॉरी लैमड़ा नहीं, जोड़ा म्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू टी प्लस लैमड़ा ए प्लस बी अपॉन एम ए बी। तो टाइम पीरियड कितना होता है टू पाई अपॉन लैमड़ा म्यू, है ना, इस आप सिंपलीफाई कर लो आंसर आ जाएगा। एक पांच नंबर क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, ए लाइट इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ एल हैज वन एक्सट्रीमिटी फिक्स टू पॉइंट ए एंड अदर एंड इज अटैच टू ए स्टोन ऑफ वेट ऑफ विच इज इन इक्विलिब्रियम वुड एक्सटेंड द स्ट्रिंग टू लेंथ एल वन, शो दैट इफ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए फ्रॉम रेस्ट एट ए इट कम्स टू इंस्टेंटेनियस रेस्ट एट डेप्थ एल वन स्केयर माइनस एल बिलो द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो मैं थोड़ा स्टेटमेंट शायद बहुत ही ना समझ आए, एक ही है कि आ सपोज कर लो अपनी जरा ए बी है ये नैचुरल लेंथ है स्ट्रिंग की, ये आप एक बनता
रोड़ा बनता या स्टोन बनता, जो रोड़े के भार ने थले भी आना है, ठीक है, बी सी तक आ जाएगा, कितनी एक्सटेंशन पैदा होगी, एल वन, ठीक है। तो यदि इक्विलिब्रियम स्टेट हैगी है, राइट, एल प्लस एल वन यदि एक तरह की नैचुरल एक्सटेंशन हो जाएगी क्योंकि स्टोन ने भार भी लगाया। हुण अगली सिचुएशन की है कि जदों इनू स्टोन स्ट्रिंग के ना बन्ने हुए इतने लै गए, आप इतों फड़ के छड़ता थले, हमें थले छड़ा, एक तो वेलोसिटी टेन कर लेगा, फिर इन्हें सी तो भी थले जाऊगा क्योंकि जो इन्हें बी ते आना तो कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, इन्हें फिर खिंच के स्ट्रिंग थले तक लैके जाना है, तो कितने ना कि जाके रुकेगा भी, फिर तानू आऊगा, तो वक्त तो कितना डूंगा चला जाएगा, आप प्रूव करना कि एल वन स्केयर माइनस एल टू स्केयर स्केयर रूट, राइट। सो मान लो लैट ए बी बी द स्ट्रिंग ऑफ नैचुरल लेंथ एल, स्ट्रिंग एक्सटेंड्स टू सी, ठीक है, क्योंकि सी तक खिंचा क्योंकि अपना भार हैगा, है ना, तो ये सी तक पहुँच जाना, सी तो की होगा फिर ये टेंशन आ जानी है, टेंशन कहदे बराबर होगी, वह वेट के प्रपोर्शनल होएगी। दूजी गल बाय हुक्स ला भी आप जानते हैं कि टेंशन जी होंगी लैमड़ा इंटू एल वन माइनस एल टू, एल ओ जी एक्सटेंशन है माइनस एल वन अपॉन एल, राइट, तो यह अपनी जी है हुक्स ला के अकॉर्डिंग बन जाएगा। इसमें तुम एम जी इक्वेट कर दो, इतों आप लैमड़ा जोड़ा है वो निकाल सकते हो। तो यह जो अपना लैमड़ा है अपना हम फिक्स हो गया अपना मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी। हम की है वैन स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए, ठीक है, हालांकि स्ट्रिंग के ना बनया हुआ आप जो ए तो ड्रॉप करोंगे तो इट रिमेन्स बी तक तो इन्हें अनस्ट्रैच्ड ही रहना स्ट्रिंग ने, है ना, अप टू पॉइंट बी, इतने बी लिखना रह गया, देखो जो तीन इतों आ स्टोन है, ठीक है, हम स्टोन जाके उपर लाए उपर छड़ दो, जब तक बी तक जरा स्ट्रिंग है वह अनस्ट्रैच्ड ही रहेगा, ठीक है, यानी कि फ्री फॉल ही करेगा स्टोन, उस तो बाद फिर स्ट्रिंग की भी टेंशन लगन लग पैनी हैगी है ना, पार्टिकल का जरा मास जरा थले तो जरूर जाएगा पर स्ट्रिंग की टेंशन तहू खिंचन की कोशिश करेगी, पर फिर भी उन्हें सी जरूर क्रॉस कर जाना क्योंकि उन्हें कुछ ना कुछ वेलोसिटी अटेन कर ली होनी है, राइट। तो यदि जी बी की वेलोसिटी कितनी होगी, टू जी एल स्केयर रूट होएगी, तुम बड़ा ईजीली कैलकुलेट कर सकते हो अपने जो पिछले फार्मूले डिराइव किए हैं एट है। उस तो बाद वाला जरा समा होगा, उस तो बाद वाला मोशन डिस्कस करना, हूँ उन्हें सी पॉइंट तो भी क्रॉस करना, मान लो कि वह पी ते पहुँच गया, सच दैट पी सी पी इज इक्वल टू एक्स, राइट। हूँ एट पॉइंट पी की है टेंशन कितनी होगी, एट पॉइंट पी की है हूँ एक्सटेंशन एक्सट्रा बच्चे पैदा होगी एक्स, तो फिर एल वन प्लस एक्स माइनस एल अपॉन एल, तो यह हूँ टेंशन होगी नवी जी पैदा होएगी पार्टिकल के। इक्वेशन ऑफ मोशन की होगी, ये टेंशन पार्टिकल उपर खिंचूगी, ख्याल रखियो आह वाली जी हूँ पैदा हुई है पार्टिकल, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ मोशन की होगी एम एफ आ वेट जो थले खिंच के लैके जा रहा माइनस आ टेंशन वाली फोर्स जी उपर खिंच के लैके जाने की कोशिश करूगी, तो इतने इसको सिंपलीफाई कर लो, एम जी की वैल्यू भर सकते हैं आप जी भी हैगी है, तो अपना जरा एम एफ जोड़ा है माइनस लैमड़ा एक्स अपॉन एल के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो एफ कि आ जाएगा लैमड़ा अपॉन एल एम एक्स, इतने नैगेटिव, तो साफ जी गल जरा म्यू जोड़ा है जो अपनों पीरियड निकाल के देगा वो वैल्यू लैमड़ा अपॉन एल एम आ जाएगी, राइट। हम अगे चलते हैं, दस मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक्सीलरेशन तो साफ कन्फर्म हो रहा है। हुण आप लैट ए पी लैट ए इज इक्वल टू सी डी, क्योंकि पार्टीकल ने रुकना कितने जाके जरा स्टोन जरा रुकूगा जाके वो मैक्सीम जिते एम्पलीट्यूड होगी उत्थे जाके रुकूगा, फिर उन्हें तानू आना है, राइट। तो क्वेश्चन ऑफ मोशन आप जानते हैं वेलोसिटी लई वी स्केयर इज इक्वल टू म्यू ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, इतने म्यू की वैल्यू भर दो जी भी हैगी है, है ना, तो एक्स नू आप रिप्लेस करते हैं एल वन माइनस एक्स, है ना, तो क्योंकि बी के उपर वेलोसिटी जी है हम बी के उपर गल कर रहे हैं ताई एल वन माइनस एक्स कर रहे हैं, एल वन माइनस एक्स मीन तुसी बी ते पहुँच गए, उत्ते वेलोसिटी कितनी होगी इहदी टू जी एल, इत्थे भर दो तुसी, इत्थे बाकी कैलकुलेशन वगैरह करके तुसी ए नू प्रूव कर सकते हो कि जिहड़ा ए है एल वन स्केयर माइनस एल टू स्केयर, इत्थे एल टू स्केयर लिखने ना रह गए। तो यह थोड़ी एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड ते ही अपना पार्टीकल जिहड़ा हुंदा इंस्टेंटेनियस रेस्ट विच आउंदा हुंदा, बाद च फिर उन्हें तां नू उपर नू जंप करना हुंदा है।